नमस्कार साथियों, कैसे हो? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बहुत अच्छी भर्ती की न्यूज आपके सामने लेकर आया हूँ। फायरमैन की भर्ती है और फायर कम ड्राइवर की भर्ती है। जिसके पास फायरमैन का डिप्लोमा है वो इस भर्ती को भर सकता है, यानी इस फॉर्म को भर सकता है। जिनके पास नहीं है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मैं आपको कैसे डिप्लोमा करते हैं, कैसे इसकी प्रोसेस है। 98, एक मिनट रुकना भाई, 98 87 64 60 20, ये मेरे नंबर है। फायरमैन की कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या उससे संबंधित डिप्लोमा करना चाहते हैं तो मुझसे यहाँ कॉल पर बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में लिखना फायर मैन गुजरात, बस इतना लिख देना। इन नंबरों पे मैं आपको सही राय दे दूंगा कि कौन सा मान्य होगा, कौन सा नहीं होगा, कैसे करते हैं, सारी चीजें बता दूंगा। 117 पद है, आपको पहले ही बता दूं, ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत की भर्ती है। योग्यता 10वीं पास और 12वीं पास है। 26,000 से वेतन शुरू है। आयु 18 से 33 वर्ष है। इसमें भी कैटेगरी वाइज भाई साहब क्या है, छूट है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज ये छूट है। बहुत अच्छी भर्ती है, आप देख सकते हो। फायरमैन की 117 पद है, नौकरी पक्की है। जिसके पास फायरमैन के डिप्लोमे हैं उनकी नौकरी भाई साहब 100% पक्की है, क्योंकि जिन्होंने फायर कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। गुजरात में भर्ती है भाई साहब, सबको पता है ये गुजरात सरकार की भर्ती है, मगर सब राज्यों के बच्चे फॉर्म भरे सकते हैं। फायर कम ड्राइवर की भर्ती है, 117 पद है और इसके फॉर्म 16 अगस्त से चालू है भाई साहब, और 31 अगस्त तक भरे जाएंगे। यानी 16 अगस्त से 31 अगस्त तक 15 दिन का आपको जो टाइम मिला है इसमें आप भर सकते हैं। 2024 की एक लेटेस्ट भर्ती है और ये बहुत अच्छी भर्ती है। इसमें क्या, उम्मीदवार के पास है हाई सेकेंडरी स्कूल पास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी 12वीं पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कुछ पदों के लिए है ना 10th पास होना चाहिए। हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब नौकरी पक्की इसलिए है कि जिनके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस है उनको तो भाई साहब कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म भरना है, फिर काम हो गया यार। फायरमैन का डिप्लोमा होना चाहिए इनके पास, और शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, क्योंकि ठीक है 1833 की उम्र होनी चाहिए। कैटेगरी वही सरकार जो नियमों के अनुसार जो छूट है वो आपको क्या मिलने वाली है, इसमें छूट भी मिलने वाली है। अब अगर फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म की फीस ओबीसी और जनरल वालों को सामान्य, और ओबीसी को क्या है 500 रुपए है, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और कोई भी महिला उम्मीदवार है किसी भी वर्ग की, उसकी फीस क्या है भाई साहब 400 रुपए है। कितनी फीस है, 400 रुपए फीस है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, शारीरिक फिट के लिए कहा था ना फिजिकल होगा, फिर दस्तावेज जांच होंगे, और फिर क्या है मेडिकल होगा, और फिर आपको क्या कर दी जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न होंगे, एमसीक्यू होगा, चयन प्रक्रिया होने के बाद आपको प्रतिमाह 26,000 रुपए मिलेगा, ठीक है, जिसके बाद सरकारी नियमों के अनुसार वेतन नाम में वृद्धि होती रहेगी, यानी जो वहां के नियम है उसके अनुसार आपके वेतन में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यह है, इसका जो नोटिस दिखाऊं मैं आपको, तो ये नोटिस मेरे पास जो है एक बार दिखा देता हूं। नोटिस गुजराती भाषा में था इस कारण मैंने नहीं दिखाया, ये देखो गुजराती भाषा में ये नोटिस है, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और मेरे को भी समझ में नहीं आएगा, तो ज्यादा गुजराती भाषा का, क्योंकि मुझे भी ज्ञान नहीं है आपको भी ज्ञान नहीं है, तो ये आपको है फायरमैन फायर कम ड्राइवर वर्ग 3 की भर्ती है ये, और इसमें जो फॉर्म है वो 16 अगस्त से चालू हुए हैं और 19 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये यहां पर बताया गया है। इसमें एस सी एस टी एस बी सी डब्ल्यू एस सी इनके लिए जो छूट है, और सैनिकों इनको के लिए बताया होम मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होगा। इसमें ये सारी की सारी बातें आपको बताइए, जो पदों की संख्या ये यहाँ पर दे रखी है, 117 टोटल पद है, 117 टोटल पद है ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीजें आपको, अब देखो इसमें तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो ये है और बहुत अच्छी भर्ती है, तो फॉर्म भर दीजिए। और जिनको ज्ञान नहीं है तो मैंने आपको मेरे नंबर दे दिए हैं, 98 87 64 60 20। 117 पदों की भर्ती है ये, 117 पदों की भर्ती है, और किसकी है, फायर कम ड्राइवर की,
फायर कम ड्राइवर की ये भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है। तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और फॉर्म भर दीजिए। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।